नेपाल के काठमांडू में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को टेक ऑफ के दौरान सौर एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू समेत 19 लोग सवार थे। यह हादसा करीब 11 बजे हुआ। हादसे के तुरंत बाद बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया था। इस हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए और किसी यात्री के बचने की संभावना नजर नहीं आ रही थी। घटनास्थल से सामने आए वीडियो तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाले थे। इस विमान में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें से एक पायलट को ही बचाया जा सका है। अब सामने आया है कि इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में फ्लाइट मेंटेनेंस स्टाफ मनुराज शर्मा, उनकी पत्नी प्रिजा खतिवाड़ा और उनके 4 साल के बेटे अधिराज शर्मा यात्रा कर रहे थे। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। बयान के अनुसार प्रिजा भी सरकारी कर्मचारी थी और ऊर्जा मंत्रालय में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी। बता दें, हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर एयरलाइंस के ही स्टाफ थे। क्रैश में विमान के पायलट 37 साल के कैप्टन MR शाकी की जान बच गई है और उन्हें क्रैश साइट से रेस्क्यू किया गया है। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि पायलट की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है, लेकिन उसके जिंदा बच जाने को लेकर भी सब हैरान है। बता दें, प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अचानक पलटा और जमीन से टकरा गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि विमान रनवे पर टेक ऑफ करने के दौरान जमीन पर फिसलता है और उसमें आग लग जाती है। प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेक ऑफ कर रहा था और अचानक जहाज पलटा और झटके खाने के बाद जमीन से टकरा गया। जमीन से टकराते ही एयरक्राफ्ट में आग लग गई और उसके बाद प्लेन रनवे के पूर्वी तरफ एक खाई में गिर गया। विमान के पलटते ही उसमें आग लग गई और काला धुआं निकलने लगा था और देखते ही देखते पूरे एयरपोर्ट पर काला धुआं फैल गया। बताया जा रहा है कि विमान बॉम्बार्डियर CRJ-200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। इस विमान को मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। एयरलाइंस ने बताया है कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि मरम्मत के बाद उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जा सके।